पार्ट सेवन थप्पड़। तो आइए फिर से आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात में। फैजल का इंटरव्यू हो चुका था, रॉय साहब की पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बलदेव सिक्योरिटी संभाले हुए था और फैजल जो वापस जाना चाहता था रुका हुआ था क्योंकि रॉय साहब ने कहा था। पीसी स्टार्ट हो गई थी और सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सील किया गया था ताकि डिस्टरबेंस ना हो। जैसे ही रॉय साहब ने बात करना शुरू किया, बलदेव को मौका मिला एक ब्रेक लेने का। उसने अपने जूनियर को इशारे से सब संभालने के लिए कहा और साइड में एक बालकनी में दरवाजा खोल के जाने लगा। बालकनी में आते ही उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और मुंह में लगाई और जलाने लगा। नजर जब उठाई तो सामने उसी बालकनी में फैजल भी था। फैजल बालकनी से बाहर की तरफ देख रहा था और वो भी सिगरेट पी रहा था। बलदेव का लाइटर जल नहीं रहा था, वो बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन वो इट वॉज नॉट वर्किंग। फैजल ने आवाज सुनी तो मुड़ के पीछे देखा और उसे बलदेव दिखा। कुछ देर तक तो वो आगे नहीं आया लेकिन जैसे ही देर बढ़ती रही, फैजल ने पास में आके अपना लाइटर ऑफर किया। बलदेव ने फैजल के लाइटर से बड़े झिझकते हुए उसको लिया, अपनी सिगरेट जलाई और तेजी से वापस किया जैसे कि लिया ही ना हो। इशारों से उसने फैजल की ओर देख के थैंक्स बोला। फैजल ने सर हिला के थैंक्स का जवाब दिया, अपना लाइटर जेब में वापस रखा और दोबारा बालकनी के बाहर देखने लगा। एक अजीब सी खामोशी थी वहां पे। दोनों लगभग साथ में ही खड़े थे लेकिन बिल्कुल अलग अलग लग रहे थे। कुछ तो बात थी इन दोनों के बीच में। वो फोन वाला भी अगर याद हो तो इनको दोस्त बता रहा था लेकिन ये तो बात भी नहीं कर रहे। कुछ तो बात जरूर है। खामोशी काफी इंटेंस हो रही थी, दोनों की सिगरेटें भी खत्म होने को आ रही थी और घड़ी और मोबाइल भी कई बार देख चुके थे दोनों। खामोशी को तोड़ते हुए फैजल ने बात करने की कोशिश की। तुम्हारा थाना लगता है यहां पे? फैजल ने पूछा। बलदेव ने फैजल की तरफ एक अलग ही नजर से देखा, जैसे मन ही मन कह रहा हो कि क्या फालतू का सवाल है, प्रेस वाला है और इतना भी नहीं पता। लेकिन उसने ऐसा बोला नहीं और विचित्र से अंदाज में जवाब दिया, हाँ। फैजल भी समझ गया था कि काफी बेवकूफी का सवाल जो सिर्फ पूछना था इसलिए पूछ लिया। उसने भी जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ इशारे से जवाब दिया। अब बलदेव की बारी थी, जैसे कि कोई कंपटीशन चल रहा हो यहां पे। वो भी सिर्फ दिखाना चाहता था कि सब नॉर्मल है, कुछ गड़बड़ नहीं। इंटरव्यू हो गया? बलदेव ने भी कुछ पूछ ही लिया। फैजल की भी हालत सेम टू सेम थी। बेवकूफी के सवालों का तो जैसे कंपटीशन ही चल रहा था। जो खुद सिक्योरिटी टीम में हो वो मुझसे पूछ रहा है कि इंटरव्यू हुआ कि नहीं, इस गधे को पता नहीं है क्या? पहले इंटरव्यू था, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मनी मन फैजल ने सोचा लेकिन उसने भी मुस्कुराते हुए बोला, दोनों के बीच में काफी टेंशन सा दिखता था लेकिन साथ ही साथ कुछ अपनापन भी था। जो आवाज में सुनाई देता था लेकिन चेहरों से गायब था। शायद वो फोन वाला सही था, शायद ये दोनों दोस्त थे, शायद फिर कुछ हुआ और शायद
शायद अब ये दोस्त नहीं है। सिगरेट लगभग एक साथ ही खत्म हुई और दोनों अंदर जाने के लिए मुड़े। दोनों ही जल्दी में लग रहे थे, किसी भी तरह वो इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकलना चाहते। बालकनी के अंदर जाने का दरवाजा को जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, दरवाजा उन्हीं की तरफ जोर से अपने आप खुला। दोनों एकदम से थोड़ा पीछे हटे ताकि दरवाजा उनको लग न जाए, और दरवाजे के खुलते ही सामने वो सफेद कपड़ों वाला आदमी अपने चेहरे पे एक शांत सी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको पहले से ही पता है कि बलदेव और फैजल यहीं मिलेंगे। हाय बलदेव जी, कैसे हो आप? उसने बालकनी में आते हुए बोला। इससे पहले कि बलदेव कुछ कहता, वो फिर बोला, फैजल सर आप भी यहीं हो, ग्रेट। ऐसा बोल के वो बालकनी के अंदर आ गया और पीछे दरवाजा उसने बंद कर दिया। फैजल और बलदेव दोनों ही उसको नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन दोनों का ही प्रोफेशन ऐसा था कि रोज इतने लोगों से मिलते हैं कि दोनों ने ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे वो इसको पहचान गए। आदमी के अंदर आने के बाद फैजल और बलदेव दोबारा दरवाजा खोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाने लगे। आप दोनों को फोन लगाया था मैंने, कुछ बात करनी थी, और आप दोनों ने ही मना कर दिया था। फैजल और बलदेव दोनों एक सेकंड के लिए रुके। आपकी दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे, अब बड़ा दुख होता है आप दोनों को ऐसा देखकर। यह सुनकर बलदेव पलटा। पुलिस वाला जो था गुस्सा जल्दी आता है, देख भाई अपने काम से काम रख और ये फालतू बातें मत कर। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए बोला। फैजल पीछे खड़ा था और सफेद कपड़े वाले को गुस्से से देख रहा था। पहली बार दोनों किसी बात पे एक साथ खड़े दिख रहे थे। सफेद कपड़े वाला आदमी ये देखकर मुस्कुरा रहा था, उसको बलदेव की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझसे नाराज मत हो आप दोनों, मैं तो आपकी हेल्प लेने आया हूं। ताने आ जाना, अभी बिजी हूं, बोलकर बलदेव फिर से पलटा और तीसरी बार दरवाजा खोलने लगा। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस आदमी को अवॉइड करे या उस बात को अवॉइड करे जो वो आदमी करना चाह रहा था। काफी जरूरी बात है, तुम दोनों मिलकर ही मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज 10 मिनट मेरी बात सुन लो। इस बार फैजल बोला, बॉस आप कल मेरे ऑफिस आ जाओ, वी विल टॉक। ऐसा बोलकर फैजल ने अपना विजिटिंग कार्ड जेब से निकाला और उस आदमी को दिया। बलदेव ने आधा दरवाजा भी खोल ही लिया था अंदर जाने के लिए। मुझे तुम दोनों से साथ में बात करनी है, मेरी बात को समझो, अलग अलग नहीं, एक साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 10 मिनट चाहिए, दिस विल चेंज योर लाइफ। सफेद कपड़े वाले ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में बोला। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम दोनों एक साथ मिल सको मुझसे, बोलो प्लीज। अरेस्ट हो जाओ, दोनों मिल लेंगे, हंसते हुए बलदेव बोला और अंदर चला गया। फैजल भी उस आदमी को इग्नोर करते करते अंदर चला गया। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। रॉय साहब सबको प्रणाम करके कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर जा रहे थे। बलदेव ने अपने जूनियर को इशारे में पूछा, सब ठीक है? उसने भी इशारे में बोला, नहीं सर, ऑल ओके। बलदेव थोड़ा ही आगे गया था कि एक तेजी से आवाज पीछे आई और वो बलदेव ने आवाज की तरफ अपनी चेहरे को घुमाया। एकदम से उस तरफ भीड़ इकट्ठा होने लगी।
भीड़ को हटाते हुए कुछ कांस्टेबल्स के साथ बलदेव बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। इसको पकड़ो साहब, इसने फैजल जी को पे हाथ उठाया, एक आदमी बोले। बलदेव ने देखा तो साइड में कुछ लोग फैजल को जमीन से उठा रहे थे। बलदेव अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाया, साले ने लगा दिया, धीरे से बलदेव ने कहा और हंसी रोकते हुए वहां खड़ा रहा। सर, मेरे सामने इतनी तेजी से इस आदमी ने वो भाई साहब को थप्पड़ मारा है कि मैं क्या बताऊं आपको, एक आदमी बोला। फैसल जैसे ही खड़ा हुआ, सफेद कपड़े वाले को मारने के लिए उसकी तरफ लपका, लेकिन पुलिस ने और वहां खड़े बाकी लोगों ने उसे रोक लिया। सफेद कपड़ों वाला आदमी वहीं चुपचाप खड़ा था। बलदेव ने अपनी टीम को बोला, इसको थाने ले चलो, बाद में देखते हैं। और फिर पब्लिक से बोला, चलिए आप लोग प्लीज यहाँ पे भीड़ मत लगाइए, और जो दो लोग जिन्होंने ये सब देखा है प्लीज आप जरा स्टेटमेंट लिखवा दीजिए अपने कॉन्स्टेबल्स के पास। फिर उसने फैजल की तरफ देखा और पोलाइटली बोला, आप भी स्टेटमेंट दे दीजिएगा प्लीज। फैजल ने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया, अपने बाल और कपड़े ठीक किए और गुस्से में वहां से दूसरी तरफ चला गया। पुलिस वाले सफेद कपड़ों वाले आदमी को ले गए और बलदेव के चेहरे पर एक खुशी की लहर सी आ गई जो छुपाए नहीं छुपती थी, जैसे कि सफेद कपड़ों वाले ने फैजल से बलदेव का बदला ले लिया हो।